वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यस, आई नो आप लोग को लोकेशन देख के पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो आप लोग बिल्कुल राइट हो, मैं नेल एक्सटेंशन करवाने आऊंगी। आई हूँ एंड यस, मेरे चैनल पे ना ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होती है कि मैम नेल एक्सटेंशन, डिफरेंट डिफरेंट नेल एक्सटेंशन दिखाओ। तो आज जो मैं दिखाने वाली हूँ ना, आज बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट सा नेल एक्सटेंशन दिखाऊंगी। कोई भी ज्यादा ग्लिटर एंड एक्सेट्रा मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली, सिंपल नेल एक्सटेंशन दिखाऊंगी एंड सबसे ज्यादा कम प्राइस में, पूरे रजौरी गार्डन में यहीं पे होता है एंड बेस्ट होता है। तो आज आप फटाफट से नेल एक्सटेंशन कराते हैं एंड आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। गाइज, प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्रोसेस में नेल कट होते हैं, बट मेरे तो नेल्स थे ही नहीं, मैंने बाइट कर करके सारे खा लिए थे। तो सबसे पहले इन्होंने बफिंग स्टार्ट कर दी, जो भी नेल्स है ना उसको थोड़ा थोड़ा बफ करते हैं, उसके बाद ही नेल्स हमारे इवनली पेस्ट होते हैं एंड नेचुरल लगते हैं। उसके बाद ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम करवाया है लाइक इस मशीन के हेल्प से। तो इस मशीन से करवाने से ना हल्का फुल्का जब आप क्यूटिकल एरिया पे लगता है ना ये मशीन, तो हल्का सा पेन होता है, अदरवाइज नहीं होता। वो बाय मिस्टेक लग जाता है, वैसा कुछ नहीं है, बट इससे एक अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप जब भी करवाएं तो एक बार ये वाली मशीन ज़रूर ट्राई आउट कर ले। एंड जब अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें जो भी ये फेक नेल्स है ना, ये इसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपके मतलब नेल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग ये फिट करते हैं। पहले पूरे फिंगर्स के नेल्स निकाल लेते हैं, देन पेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, सारे नेल्स साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने निकाल लिया था। अब ये ग्लू की हेल्प से, इनके पास ग्लू होता है, उससे नेल्स निकलते नहीं है इजीली। आपके ऑलमोस्ट 1 मंथ तो इजीली चल जाएगा एंड डिपेंड करते हैं आपकी नेल ग्रोथ कैसी है। अगर आपकी नेल ग्रोथ फास्ट है तो जल्दी आपके नेल एक्सटेंशन रिमूव हो जाएंगे, अदरवाइज अगर स्लो है तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। 1 मंथ तो ईजिली निकल जाता है सबका। तो अब ये पेस्ट कर रहे हैं एंड इसको भी हल्का हल्का बफ कर रहे हैं ताकि एक अच्छे से फिनिशिंग आ सके। तो गाइज, एक सजेशन है मेरी आपकी तरफ से, आप जब भी जाए ना नेल एक्सटेंशन करवाने, ऑलमोस्ट 1 आवर का तो मतलब लेके जाए टाइम, कि 1 आवर और 2 आवर तो आपको लगने ही वाले हैं मिनिमम नेल एक्सटेंशन करवाने में। तो या तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जाए, चाहे आप बोर ना हो अकेले, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि दिस टाइम मैं अकेले गई थी, मेरा फ्रेंड नहीं आया था मेरे साथ, तो मैं बहुत बोरिंग सा फील कर रही थी। बट जब भी जाए अपने फ्रेंड के साथ जाए, अपने सिस्टर विस्टर के साथ, जब भी नेल एक्सटेंशन होगा तो आपका टाइम पास हो जाएगा। एंड बहुत अच्छे से करते हैं रायनाज में, तो अगर आप रजौरी के आसपास रखते हैं तो आपके लिए इजी है, आप रायनाज में जा सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चलता रहता है यहाँ पे। जैसे फेस्टिव सीजन आता है तो और भी कम प्राइस में आपके नेल एक्सटेंशन हो जाएंगे। आप कॉल करके पूछ सकते हैं जाने से पहले, या अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सारे लिंक एंड कॉल डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्रॉपर एड्रेस वगैरह भी। तो अब गाइज, ये नेल कट कर रहे हैं आपके साइज के अकॉर्डिंग, जो भी आप साइज बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नेल्स कट करते हैं। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा करवा सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो आप छोटा ही साइज प्रेफर करें, ज़्यादा लॉन्ग नेल्स प्रेफर ना करें क्योंकि संभाला नहीं जाता। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैंने करवा लिया था एक बार लॉन्ग नेल्स, तो मुझसे नहीं संभाले गए, तो नेक्स्ट डे मैंने आके उसको कट करवाया, तो छोटा ही करवाया। एंड जो एक्सपीरियंस है जिनको, वो तो जितना भी साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद भी ना, नेल्स लगने के बाद भी, कट होने के बाद अगेन बफिंग होती है अच्छे से सेप शेप के लिए एंड प्रॉपर अच्छे से फिनिशिंग आए, आपके नेचुरल नेल्स लगे। इतनी मेहनत इतने कम पैसों में आपको कोई और नहीं करके देगा। तो मेरे लिए तो बेस्ट है ये सैलून, मैं हमेशा यहीं से करवाती हूँ।
गाइस नेल्स का आगे का प्रोसेस देखने से पहले आई एम गोना शेयर विद यू समथिंग. अगर आपकी स्किन अनइवन है एंड आपको रेडियंट स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ पर्सनली. एंड जो भी मेरे फेस पे आप ये डॉट्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं एंड मेरे फेस पे नेचुरल सी ग्लो आती है. तो उन सब का रीजन है आई एम टॉकिंग अबाउट दीज डर्माको 10% विटामिन सी सीरम. So I am using the Dermaco 10% Vitamin C. The Vitamin C is a well-known skincare ingredient in terms of resolving concerns such as dullness and giving you bright, radiant skin. The serum is packed with the power of two best ingredients like Vitamin C and Niacinamide to treat dullness and spots. Apply 3-5 drops of serum on your entire face and neck area. Massage gently until completely absorbed. And for better result, you can use daily, day and night time. And this serum gives you radiant glow and even toned skin. And I recommend a patch test before you trying these products. आप हमेशा एक patch test कर ले. आप हमेशा कभी भी कोई भी new product apply करें ना, तो उससे पहले test जरूर कर ले कि आपके skin पे suit कर रहा है या नहीं. And second product, I am using 1% hyaluronic acid aqua gel sunscreen. And whenever using active ingredient, it is very important to use broad spectrum sunscreen to avoid sun damage. And ये sunscreen ना इतना अच्छा white cast नहीं छोड़ता. And ये SPF 50 है and PA++ formulation. Super lightweight है, fragrance free है and dissolve like water. बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है आपके स्किन पे नेचुरली विद इन ना, मतलब कि 2 सेकंड में डिजॉल्व हो जाएगा अच्छे से. एंड मैं इसे लास्ट मतलब 5 या 6 मंथ से तो रेगुलर यूज़ कर रही हूँ. मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा है इसका. एंड यस गाइस, हेरोलोनिक एसिड एंड विटामिन ई हेल्प्स फाइट सन डैमेज, विल ऑल्सो रिड्यूस फाइन लाइन्स, रिंकल्स एंड मेकिंग योर स्किन सॉफ्ट लाइक बटर. प्रोसेस देख लिया एंड करेंटली आई एम यूजिंग 10% विटामिन सी फेस सीरम जो कि आपको मैंने दिखाया, बट मैंने ऑर्डर किया 20% विटामिन सी फेस सीरम भी. ये ज्यादा इफेक्टिव होगा तो मैं इसे ट्राई करती हूँ कि मैं नाइट में अप्लाई करूँ. एंड यस गाइस, अगर आपको ये रेंज ट्राई करना है तो आई विल लीव ऑल लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट. एंड यस, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम अ Dermaco ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि. एंड यस, अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करने हैं तो मैं आपको एक कूपन कोड भी बता रही हूँ. यू कैन यूज माय कूपन कोड RIE2022 टू गेट 20% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन Dermaco's ऑफिशियल वेबसाइट. एंड दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa, Flipkart एज वेल, सो डू चेक इट आउट. गाइज, अब ना ये हल्का हल्का सा पुश कर रहे हैं मेरे क्यूटिकल्स एरिया को, ताकि जो अब ये जेल लगाएंगे ना, एक्रेलिक जेल, वो अच्छे से फिनिशिंग आए. तो ये हल्का हल्का सा पुश करते, कोई पेनलेस प्रोसेस नहीं होता. ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप डरो मत. अगर आपको फर्स्ट टाइम करवाना है तो आप ईजीली जाओ, लाइक बिल्कुल भी आपको पेन ही नहीं होगा. ये ऐसे ही लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ कि पेन होता है, कुछ भी नहीं होता. सो गाइज, अब जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, ये हो रहा है पेस्टिंग, मतलब एक्रेलिक पाउडर अब इस पर अप्लाई करेंगे. ये उससे पहले ये क्लीन कर रहे हैं. ये आई थिंक नेल पेंट रिमूवर होता है, आई गेस आई एम राइट. हाँ, नेल पेंट रिमूवर ही होता है. उससे आपके नेल्स को पहले क्लियर कर देंगे, देन ये एक्रेलिक पाउडर होता है. ये हार्ड हो जाता है बिल्कुल ही आपके जैसे नेल्स पे जाएगा ना. अभी आप देखना, ये पाउडर है पाउडर के फॉर्म में. एंड मैंने बिल्कुल क्लोजअप से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम करा रहे हैं वो डरे ना ही, ईजिली होता है प्रोसेस. तो आप देखो, ये इतने अच्छे से करा था ना इन भैया ने. अगर आपको इनसे करवाना है तो आप पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर ले, अदरवाइज़ ये ऑलरेडी बुक रहते हैं. तो आई थिंक आपको ना मिले तो आप एक दिन जाने से पहले अपॉइंटमेंट बुक करवा ले. सारे नेल्स पे ना इस टाइप की आपको एक्रेलिक पाउडर से फिनिशिंग मिल जाएगी अच्छे से. यही है मेन प्रोसेस ना, यही होता है जिससे कि पूरी नेल्स की फिनिशिंग आती है अच्छे से, एंड जो कि एक फेक नेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है रियर नेल पे.
गाइस पूरे नेल्स पे ना हमारे अच्छे से नेल एक्रेलिक पाउडर लग चुका है एंड अब भैया इसको फिनिशिंग दे रहे हैं अच्छे से एंड इनका काम ना टच वुड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत अच्छे से इन्होंने अच्छे से फिनिशिंग दी है एंड आप देख सकते हो कितने अच्छे से शेप भी आई है। मैंने जो शेप लिया था ना मुझे याद नहीं आ रहा, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप सेम अगर आपको करवाना है तो आप वहाँ पे जाओ सेम पिक्चर्स दिखा देना या वीडियो दिखा देना, आपका सेम हो जाएगा एंड जो भी प्राइसिंग वगैरह होगा अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताती हूँ। तो आप पहले प्रोसेस देख ले कितने अच्छे से बिल्कुल नेचुरल लगेंगे आपके नेल्स, बिल्कुल ही नेचुरल। अगर आप कहीं और से करवाते हो ना आप एक बार ट्राई कर लेना कहीं और पे एंड यहाँ के नेल्स में, मैं तो ये कहूँगी आप सच में एक बार ट्राई करके देखना। जो आप कहीं और से नेल्स कराओगे ना आपके विद इन अ वीक वो बालों में फंसने लगते हैं, जब आप कॉम वगैरह करोगे उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, वो बिल्कुल फेक लगता है। आप खुद देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत करी जा रही है और कितना टाइम लग रहा है प्रॉपर। सो गाइस अब स्टेप आ गया है कलर का बारी, तो कलर्स में तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस है ना कसम से, मतलब आप जब कलर्स की बारी आती है ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा कलर करवाऊँ। तो मेरा सजेशन आप पिंटरेस्ट वगैरह से पहले से ही देख के जाना कि मुझे कौन सा कलर करवाना है तो ईजी रहेगा आपके लिए। आप सेम डिज़ाइन दिखाओ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड फटाफट आप करवा लोगे। मेरे माइंड में सेट था कि मैं बिल्कुल नेचुरल सा करवाऊंगी इस बार, बट वहाँ पे जाने के बाद भैया ने कुछ डिज़ाइन दिखाई, सजेशन दिया, तो फिर मेरा माइंड सेट चेंज हो गया एंड फिर मैंने डिज़ाइन करवा लिया, थोड़ा सा ही करवाया बिल्कुल नेचुरल सा। तो इस टाइप का नेल आर्ट करवाया बिल्कुल नेचुरल से शेड के साथ, नेचुरल कलर था ये बिल्कुल एंड न्यूड सा कलर था एंड उसके ऊपर भैया ने इस टाइप का फ्रेंच कुछ बनाया था वाइट पेंट कलर से। एंड अभी आप आगे देखो अभी इसमें ब्लैक का भी यूज़ होगा तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस लगता है एंड ग्लिटर का भी, तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, कितना अच्छा शाइन आ रहा है, ऑल ओवर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप वेट करो मैं फटाफट से वीडियो स्पीड में बढ़ाती हूँ। सो गाइज अब देखो अभी ना बस इतना ही हुआ है नेल आर्ट एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा था कि बस मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही रख लूँ और आगे प्रोसेस ना कराऊँ, मुझे सच में ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब इसके ऊपर भैया ने एक पतली सी लाइन दी है ब्लैक कलर की जो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अपनी अपनी चॉइस है, किसी को अच्छी लग रही होगी, किसी को नहीं अच्छी लग रही होगी, किसी को बिल्कुल प्लेन कराना है, किसी को कुछ भी डिज़ाइन कराना है, तो यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा एक्स वाई जेड। एंड जितना आप मतलब कि कुछ भी लगाते हो एक्सटेंड करते हो नेल आर्ट पे, मतलब पर एक मतलब कि कुछ भी लगाते हो लाइक छोटा सा डायमंड या कोई नेल आर्ट कोई फ्लावर, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे इंक्रीज करके बता देंगे। आप पहले ही बात कर लेना इनसे कॉल पे या फिर आप जब भी विजिट करें तो आप अपना डिज़ाइन दिखा देना। तो ये मैंने ना हमने पहले पूरा सोचा कि हम इसे फिल करवाते हैं, बट जब पूरा फिल हुआ तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी ये दोबारा से रिमूव करके एक बस ये जो लाइन दिख रही है ना आपको साइड में, बस वैसी लाइन डलेगी पूरे नेल्स पे। सो गाइस सारे फिंगर्स पे ये ब्लैक लाइनिंग तो लग गई है, बट मैंने इसमें ना कुछ स्पार्कल भी करवाया ग्लिटर, तो रिंग फिंगर में करवाया है बस। एंड अभी मैं वॉइस ओवर करते करते अपने रिंग फिंगर को देख रही थी तो मेरे एक्सटेंशन ना थोड़ी सी ग्रोथ आ गई है। तो यस गाइस जल्दी ना आपको मतलब कि सेकंड पार्ट भी दिख जाएगा इसका रीफिलिंग का, तो मैं जल्दी रीफिलिंग करवाने वाली हूँ एंड रीफिलिंग के क्या प्रोसेस होते हैं क्या प्राइस होता है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। एंड जिनको भी रीफिलिंग की वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताएं जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड यस रीफिलिंग के बाद मैं आपको नेल रिमूवर की भी वीडियो बनाऊँगी, तो मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर दिखा दूँगी एंड इसके बाद आई गेस मैं पैरों के नेल एक्सटेंशन भी करवाऊँ, मैं सोच तो रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ऑफकोर्स मैं करवाऊँगी। सो अब इसके ऊपर से ना ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा रहे हैं फॉर बहुत अच्छा से शाइन के लिए, तो बहुत अच्छी शाइन आती है इससे। ऑल ओवर पूरा प्रोसीजर हो गया हमारा, लास्ट स्टेप हो रहा है ये एंड अब लग रहे हैं ये क्यूटिकल ऑयल, उससे हमारे नेल्स की जो भी एरिया होता है ना वो डैमेज नहीं होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब भी जाए नेल एक्सटेंशन करवाने तो ये वाला पार्ट स्किप ना करें, अगर वो भूल जाते तो भी आप लगवाएं।
एक्सटेंशन मेरा कंप्लीट हो गया है. देखो मैंने कितने प्यारे से नेल आर्ट करवाया है. एंड जिन्होंने भी मेरा नेल आर्ट करा है मैं डिस्क्रिप्शन में नाम बता दूंगी. आप जब भी विजिट करोगे यहाँ पे तो आप उनसे ही करवा सकते हो. बाकी सारे मेंबर्स बहुत अच्छा नेल आर्ट करते हो तो आप किसी से भी करा सकते हो. तो लाइक इसका जो मेरे को प्राइस पड़ा है ना वो 1200 पड़ा है एंड स्टार्टिंग प्राइस है 700. 700 में आप नॉर्मली एक्सटेंशन करवा सकते हो प्लस नेल आर्ट नहीं करवा सकते, सिर्फ नेल पेंट मिल जाएगा आपको. अगर नेल आर्ट करवाना है आपको डिफरेंट डिफरेंट तो अलग अलग प्राइस रेंज है. तो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.